गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। पंचायती राज चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है। उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत खाजूवाला, जिसमें कुल 5 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए मैदान में हैं, खाजूवाला ग्राम पंचायत से 9,270 मतदाता 10 अक्टूबर को अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। सरपंच पद के उम्मीदवार कुंभाराम पवार के द्वारा चुनाव प्रचार तेज गति से किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। खाजूवाला के मतदाताओं ने बताया कि खाजूवाला कस्बे की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका लंबे अरसे से समाधान नहीं हुआ, जैसे नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई के साथ साथ भूमि आवासीय पट्टों की बड़ी समस्या लोगों के सामने है। ऐसे में टुडे 24 के साथ उम्मीदवार कुंभाराम पवार ने बातचीत करते हुए सबसे पहले कस्बे के भूमि आवासीय पट्टों का समाधान करने की बात कही। उम्मीदवार कुंभाराम पवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र देलू ने। पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में होने वाले चौथे चरण की 10 अक्टूबर को मतदान होगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी गई है। वहीं नज़दीक आ रही तारीख को देखकर यहां मतदाताओं में उत्साह बढ़ रहा है। वहीं खाजूवाला उपखंड की मुख्यालय की ग्राम पंचायत खाजूवाला में हम इस समय मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कोविड-19 एक महामारी है, इसके चलते जहां सोशल डिस्टेंस व मास्क भी जरूरी है। मतदाताओं में कहीं ना कहीं उत्साह भी है तो कहीं ना कहीं कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती भी है। हमारे साथ यहां पर अनेक महिला मतदाता भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके की समस्या है। खाजूवाला उपखंड मुख्यालय की है ग्राम पंचायत खाजूवाला, जहाँ जिसमें 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, 9,270 मतदाता मौजूद हैं। क्या समस्या आपको दिखाई दे रही है ताकि आने वाली 10 तारीख को आप ऐसा गांव की सरकार बनाए ताकि क्षेत्र का विकास हो? हमारे यहाँ गलियों की भी तो समस्या है, पानी की भी समस्या रहती है। पानी पीने के लिए पानी नहीं आता है, हमें टैंकर गिराने पड़ते हैं। और नाली गए, नाली की निकासी नहीं हो रही है, नाली का पानी घरों से बाहर नहीं निकलता है, पूरी समस्या रहती है गली के अंदर। आपको किस तरीके का उम्मीदवार पसंद करेंगे ताकि क्षेत्र की विकास सरकार की अनेक योजनाओं को भी क्रियान्वित करवा सके? हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कि हमारी समस्या को समझ सके और हमारे साथ हमारी चलकर हमारी समस्या को हल कर सके, ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए। बिल्कुल, खाजूवाला ग्राम पंचायत के उम्मीदवार इस समय कुंभाराम पवार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं जैसे इस क्षेत्र की जो समस्याएं सामने आ रही है, विशेष रूप से शुद्ध पेयजल व नालियों से गंदा पानी निकासी नहीं हो रहा, ये भी एक बड़ी समस्या है। आप यहां के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है, शुद्ध पेयजल क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, मैं सर्वप्रथम जो ग्राम पंचायत खाजूवाला के अंदर अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जैसे नालियाँ रुकी हुई पड़ी है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है, इनको प्राथमिकता से कराऊंगा। शुद्ध पेयजल जहाँ आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, वहाँ पाइपलाइनों को पुनः जर्जर पड़ी है, उनको निकलवा करके नई पाइपलाइनें डला करके प्रत्येक घर को पानी की व्यवस्था करवाऊँगा। दूर दराज जो बैठे हैं, कई जगह लाइनें बिछी हुई भी नहीं है, वहाँ तक भी मैं पानी के पीने की व्यवस्था करूँगा। बिजली के खंभे जहाँ कई दूर दराज गाड़ियाँ बैठी हुई है, जैसे हमारे पंचायत समिति से दूर आगे लोहारों की बस्ती है, सांसियों का मोहल्ला है, वहाँ आज भी वो रोशनी नहीं मिल रही है, उनके वहाँ तक भी बिजली की व्यवस्था कराऊँगा, पानी की व्यवस्था कराऊँगा। और भूमि आवासीय पट्टे एक बड़ी समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, सर्वप्रथम तो यही रहेगी, जहाँ कई लोगों के आज भी वो बसे हुए हैं लेकिन आवासीय पट्टे नहीं बने हैं, व्यावसायिक पट्टे भी नहीं बने हैं, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे प्राथमिकता से बनाने की कोशिश करूँगा मैं। शिक्षा की बात की जाए तो आज भी इस उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत खाजूवाला में कई स्कूल बंद पड़े हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको जनता मौका देती है तो? जी, मैं उन्हें पुनः सुचारू रूप से चालू करवाऊंगा, वहाँ अध्यापक की नियुक्ति करवाऊंगा और जो बंद पड़े स्कूलों उनको वापस पुनः शुरू करवाऊंगा। यहाँ अगर बात करें तो पानी निकासी की समस्या के साथ साथ सड़कों की भी बड़ी एक समस्या नज़र आ रही है। मदरसा की अगर रोड की देखा जाए तो वहाँ पर भी सड़कें पिछले कई सालों से नहीं है, इधर विद्युत ऊर्जा की तरफ भी सड़कें नहीं होने के कारण वहाँ आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है। जी, ये मैं सालों से देख रहा हूँ, ये सड़क टूटी हुई है, मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ नालियाँ रुकी हुई है, उनको मैं नोट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इन चीज़ों को भी हमेशा तैयार करवाऊँगा, नई सड़कें बनवाऊँगा। बिल्कुल, खाजूवाला ग्राम पंचायत के उम्मीदवार कुंभाराम सहरन ने कहा है कि सबसे पहले कुंभाराम पवार ने कहा है कि सबसे पहले हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचे, टूटी व पानी निकासी की भी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। वहीं सड़क को दुरुस्त करके
इन क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाया जाएगा। वहीं सरकार की द्वारा अनेक योजनाओं का लाभ भी इस ग्राम पंचायत को मिलेगा, ऐसा उन्होंने मतदाताओं को आश्वासन दिया। तो वहीं अब प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। 10 अक्टूबर को यहां पर चुनाव होंगे। वहीं कोविड-19 एक महामारी, इसकी चुनौती से बचने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी यहाँ की जा रही है। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।